ये एग्जैक्टली क्या है, ये फैमिली आईडी क्या है? इसमें जो परिवार के मेंबर है ना, जितने भी हैं, उनका सारा कार्ड मतलब दिखाते हैं भी, इनको क्या क्या कर रहे हैं, क्या इनका ऑक्यूपेशन है, क्या कितने इसमें सर्विस कर रहे हैं, कितने इसमें बुजुर्ग हैं, कितने, वो सारा दिखाते हैं। इसमें इनकम चढ़ाते हैं जी ये हमारे। मैंने लोन ले लिया, मेरे को जरूरत है बैंक से 5,000-6,000 रुपये, गोल्ड पे ले लिया, जमीन पे ले लिया, किसी चीज़ पे ले लिया, वो मेरे खाते में ट्रांसफ़र आ गया पैसा, वो मेरी इनकम मानी गई। वो क्यों मानी गई? जब मैं लोन ले रहा हूँ, इसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना इसको कोई अनाज मिलेगा, ना इसको गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी, ना इसको कोई और सब्सिडी मिलेगी। किसका आइडिया था ये? तो मोदी जी का ही आइडिया है जी, हमारा तो है नहीं। और 10 साल से परेशान है हम, हमारे पास तो कागजात ही पूरे नहीं होते। अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी में सालाना 1,80,000 है पर मंथ 15,000 रुपए सर सिर्फ, तो आप ना तो कोई नौकरी ले सकते हो हरियाणा में जी, ना ही आप राशन ले सकते हो सर। और भी जो कोई कुछ इसी भी प्रकार की स्कीम है, सब में अड़ंगा है फैमिली आईडी की इनकम का। जो भी देखेंगे फैमिली आईडी को देखेंगे सर, और इनकम जो है वो 2-3 महीने के बाद अपडेट होती रहती है सर। जैसे 3 महीने में मेरे खाते में मैंने किसी से उधारी ली, या कोई मैंने अपनी गाड़ी बेची, अपना सामान बेचा, 1,00,000 या 2,00,000 मेरे अकाउंट में कहीं से सर आगे, तो इन्होंने तो अकाउंट देखना जी भी 2,00,000 आए हैं, तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 2,00,000 उसमें ऐड हो जाएगी मैडम खुद ही। लोन भी हो तो? जी जी सर, लोन भी केसीसी का लोन है। जैसे तो हम जो पैसे लेते हैं तो पहले वो सेविंग में आएगा, सेविंग से निकाल लेंगे। अगर सेविंग में हम लेन देन कर रहे हैं सर, तो वो फैमिली आईडी में ऐड वाकई होगा। फसल का पैसा है सर, अकाउंट में आता है सर पैसा, उसको इनकम मान लेते हैं जी। अगर किसी कोई ठेकेदारी प्रथा जी, मैंने किसी के 5 एकड़ जमीन ठेके पर ले ली, 50,000 तो ठेका जी उसका, तो 2,50,000 रुपए ठेका चले गया जी, तो उसमें मेरे पास 3 या 4 लाख की दान हो भी गई, तो मेरी इनकम 4 लाख सालाना बढ़ गई जी। तो बताओ सर आप जी कहाँ का सूला जी। तो यू फैमिली आईडी का एक और इशू सर, अगर आप अपने मेंबर को ऐड कराना चाहते हो करा सकते हो, अगर डिलीट कराना चाहते हो तो मुमकिन नहीं है जी सर। इसमें बहुत परेशानी है, जो राशन मिलता है वो भी नहीं मिला, 7 साल हो गए, चक्कर काट काट के थक गए हैं। फादर एसटी है और बेटा एससी हो गया, और बिल्कुल दिहाड़ी हमारी 300 के लग, जो भी लिखना चाहते लिख देते। हाँ जी सर, अपनी मर्जी से। तो मतलब बीपीएल बंदे को मतलब वो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 की इनकम दे सकते? हाँ जी, हाँ जी सर, ये अपनी मर्जी से। मतलब ये गरीब लोगों से मतलब हाउस वाइफ की जो इनकम दिखाई गई है? हाँ जी, हाँ जी मैम, ये जो है 50,000 इनकम देखो जी। ठीक है, बट आपका कहना है कि इसको कैंसिल करना चाहिए। बहुत 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 अच्छा लगा सर, बहुत बेटे।